नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंदौर में लता मंगेशकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। लता मंगेशकर के नाम से इंदौर में संगीत एकेडमी भी खोलेगी, एक संग्रहालय बनेगा जिसमें लता के गाए गीतों का संग्रह और उनसे जुड़े यादें होंगी। करोड़ों भारतीयों में से हर एक को यही लग रहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है या अपने आप में एक अनोखी घटना है। हर घर को लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीतों में नव उत्साह नव ऊर्जा का संचार होता था। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, पर जब भी कहीं गाड़ी से ज़्यादा था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी, जो कि लता जी की सीडी वगैरह मिल जाए। भारत के रोम रोम में जैसे रम गया हो उनका जाना, ऐसी क्षति है जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि कल ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, जिनके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया है। लता जी के बिना ना संगीत जाना जाएगा और ना ही ये देश जाना जाएगा, लेकिन यह सच है कि वो हमारे बीच गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत हमारे ख्याति नाम साथियों के साथ वट वृक्ष लगाया, क्योंकि लता जी केवल संगीत जगत की रोशनी नहीं थी, वह देशभक्ति का एक ऐसा हस्ताक्षर थी जिससे पूरा देश, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। उनकी प्रतिमा भी हम वहां स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी, हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। उनके चरणों में फिर विनम्र श्रद्धांजलि। करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है, ये अपने आप की मैं एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से कहीं जाता था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी कि लता जी की सीडी कैसेट कुछ मिल जाए वो लगा दी जाए। भारत की जनता के रोम रोम में जैसे रम गया हो उनका जाना, ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा, लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्यातिनाम साथियों के साथ वट वृक्ष लगाया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में हुआ था, और इसलिए ये फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा, वो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा करके उसका क्या स्वरूप बने उसका निर्माण किया जाएगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो सबको प्रेरणा देगी, क्योंकि लता जी केवल। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।